हेलो एवरीबॉडी वेरी गुड इवनिंग कैसे हैं आप लोग होप सो यू ऑल आर वेल एंड गुड और आप लोगों की पढ़ाई बहुत बहुत अच्छी चल रही होगी और एक बार जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आज का लाइव सेशन बहुत बहुत खास होने वाला है बच्चों की भारी डिमांड के ऊपर मैं लेकर आया हूं आज इस वन लाइनर सीरीज के अंदर एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका कि नाम है बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी बच्चों को सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो बायोटेक के अंदर आती है एक तो सबसे पहली बात तो है कि बायोटेक समझ में नहीं आता है दूसरी चीज बायोटेक के क्वेश्चंस नहीं मिल पाते हैं है ना तो इस सब चीज से हम लोग आगे बढ़कर और आज यहाँ पर बायोटेक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हर एक एग्जाम एक के लिए बायोटेक्नोलॉजी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है तो जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए और एक बार मुझे बता दीजिए कि क्या आप तक मेरी आवाज क्लियरली पहुंच रही है जस्ट अप कर दीजिए एक बार जल्दी से ओके सभी से वेरी गुड इवनिंग जेबा मीनू कृष्णा यादव स्वाति सेनी टीना कृष्णा अक्षय गरिमा सोनू एवरीबडी वेरी वेरी गुड इवनिंग यस यस जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हम लोग आज का लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं जय श्री राम गौरव शर्मा शुरू करते हैं आज की क्लास जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए सो स्टूडेंट्स वन लाइनर क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है जितने भी नए व्यूअर्स हैं नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोग बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन के सीरीज आप लोगों के लिए अभी तक लेकर आए हैं प्रीवियसली यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो उनको जाकर देखिए राइट right? और आज ये वाला जो है बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और ना केवल वन लाइनर सीरीज यूट्यूब के ऊपर हम लोगों ने आपके लिए बहुत बहुत सारे आ, और भी आ, वीडियोस डाल रखे हैं जो क्वालिटी और कंटेंट के साथ में आपको डीप स्टडीज करवाते हैं उनको जरूर देखिए आप भी देखिए दोस्तों को भी आप लोग कहें कि वो भी देखें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियोस को लिंक की, उनके लिंक को शेयर कीजिए राइट ये आप लोगों का चैनल है और आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और शुरू करें उससे पहले मेरे एम के भाई बहनों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम एमपी टेट वर्ग दो का कोर्स आज यानी कि ट्वेल्थ मार्च को शुरू करने जा रहे हैं बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है आप भी ज्वाइन करें और सफलता का हिस्सा बने हमने आपके स्टेट के अंदर एमपी टेट वर्ग एक में भी बहुत सारे सेलेक्शन दिए हैं जितने भी लोग मुझसे और मेरे ऐप से जुड़े थे और जिन लोगों ने मुझसे कोचिंग ली थी बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सेलेक्ट हुए हैं आप भी जरूर एम टेट वर्ग दो जीव विज्ञान का कोर्स जो है वो ज्वाइन करें और कहाँ ज्वाइन करना है सुपर गुरु ऐप के ऊपर क्या करेंगे गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर और सुपर गुरु ऐप को डाउनलोड करना है यूट्यूब के ऊपर मैंने वीडियो डाला है उसको भी आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा फिर भी कोई दिक्कत आए तो इस फोन नंबर के ऊपर एट सिक्स वन नाइन वन डबल जीरो थ्री जीरो सिक्स के ऊपर कॉल करें और इस कोर्स के बारे में पता करें इज इट क्लियर बढ़ते हैं हम आगे आज का पहला प्रश्न बायोटेक्नोलॉजी का और वो है पहला प्रश्न दोस्तों स्टार्ट करते हैं जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो के अंदर शुरू से लेकर और अंत तक इस लाइव सेशन के अंदर बने रहेंगे डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने वाला एंजाइम ये एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत बार पूछा जाता है आप लोग जेनेटिक्स के अंदर भी इसको पढ़ते हैं द विगमेंट्स ऑफ द डीएनए ऐसा एंजाइम जो डीएनए के टुकड़ों को जोड़ता है एंजाइम विच ज्वाइंस द बिट्स ऑफ डीएनए वह एंजाइम जो डीएनए के टुकड़ों को जोड़ता है तो उसको हम लोग कहते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम उसको क्या कहते हैं भाई डीएनए लाइगेज एंजाइम के नाम से जानते हैं आणविक कैंची किसे के कहते हैं विच इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर मॉलिक्यूलर सीजर यानी कि आणविक कैंची किसे कहा जाता है तो दोस्तों आणविक कैंची क्या होती है जो डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटे तो हमारे बायोलॉजी की जो कैंची है वो एक एंजाइम है जिसका की नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यानी कि सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम तो विच इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर सीजर तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ये एक कैंची की तरह क्या करता है काम करता है राइट डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटने का काम करता है आगे बढ़ सकते हैं

तो मैं मेरे फोटो को कहूंगा कि यार सौ कॉपी दे देना तो वो सौ का खटका दबाएगा सो कॉपी निकल जाएगी वैसे ही पीसीआर है रिएक्शन है 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 एक ऐसी तकनीक जिसके द्वारा डीएनए की मल्टीपल कॉपीज को बनाया जा सकता है, तो पीसीआर तकनीक की खोज का श्रेय जो होता है वो जाता है कैरी मुलिस को सबसे ज्यादा सामान्य क्लोनिंग संभाग मोस्ट कॉमन क्लोनिंग वेक्टर सबसे कॉमन क्लोनिंग वेक्टर कौन सा है तो सबसे कॉमन क्लोनिंग वेक्टर यदि कोई है तो उसको बोलते हैं पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू याद रखना ये एक आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है जिसके बारे में आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे तो सबसे ज्यादा सामान्य क्लोनिंग संवाहक एक सबसे कॉमन क्लोनिंग वेक्टर कौन है तो वो है पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू डोंट फॉरगेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको दोस्तों नहीं भूलना है हमेशा एक चीज दिमाग में सेट कर लीजिए इसको कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लोनिंग वेक्टर है वो कौन है पीबीआर 322 है आगे बढ़ते हैं पीबीआर 322 वाहक में कितने प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन उपस्थित होते हैं हाउ मेनी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जींस आर फाउंड इन पीबीआर 322 वेक्टर तो इसमें जो पीबीआर 322 वेक्टर है उसके अंदर दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स पाई जाती है

फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा था प्रथम सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम तो याद रखना प्रथम सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम था हिंद टू यानी कि इसको आइसोलेट किया गया था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नामक बैक्टीरिया से इसको आइसोलेट किया गया था तो प्रथम सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा था हिंद टू था इसे हिमोफिलिस इन्फ्लुएंजी इसे हिमोफिलिस इंफ्लुएंजी नामक जो बैक्टीरिया था दोस्तों उससे आइसोलेट किया गया था समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है सेशन के शुरू से लेकर अंत तक बने रहें बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर खूब हूबहू पूछे जाएंगे राइट विश्वास रखिए पीसीआर में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है अभी आपने देखा था पीसीआर तकनीक का विकास कैरी मुलिस ने किया था तो पीसीआर में ऐसा कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है पीसीआर में कौन सा एक थर्मोस्टेबल एंजाइम प्रयुक्त होता है क्या पीसीआर दोस्तों तापमान के परास का कोई फर्क ना पड़े तो विच थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज एंजाइम राइट पीसीआर में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है विच थर्मोस्टेबल एंजाइम इज यूज्ड इन पीसीआर तो याद रखना उसका नाम है टेक पॉलीमरेज क्या कहते हैं उसको टेक पॉलीमरेज ये टेक पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो एक बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया था टी का मतलब होता है दोस्तों थर्मस। टी का मतलब होता है थर्मस और एक्यू का मतलब होता है थर्मस एक्वेटिकस मतलब एक्यू का मतलब एक्वेटिकस तो टी कहां से थर्मस है एक्यू कहां से है एक्वेटिकस है तो थर्मस एक्विटिकस नामक बैक्टीरिया से थर्मस एक्वेटिकस नामक बैक्टीरिया से टेक पॉलीमरेज एंजाइम का यूज किया गया

Uh, प के प्रति लेकिन ये जो एंजाइम है उसके ऊपर ताप का कोई असर नहीं पड़ता है आगे बढ़ते हैं प्लाज्मिट क्या है, very important, very, very important, है ना प्लाजमिट क्या है तो प्लाज्मिट जो होता है वो ऑटोनोमसली रेप्लीकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएन होता है, है ना और इसको कहां से आइसोलेट करते हैं तो आइसोलेटेड फ्रोम आइसोलेटेड फ्रोम बैक्टीरियल सेल आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियल सेल इसे कहाँ से प्राप्त करते हैं बैक्टीरियल सेल से तो प्लाज्मिक क्या है ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है दोस्तों ये एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए है इसे जीवाणु कोशिका से पृथक किया जाता है और ये कैसा होता है वृताकार होता है सर्कुलर होता है और इसके अंदर खुद ही रेप्लिकेट करने की क्षमता होती है इसके अंदर स्वयं प्रतिकृतन करने की क्षमता होती है वेरी इंपॉर्टेंट प्लाजमिट से कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं और हम लोग इसे प्लाज्मिट को एक वेक्टर की तरह यानी कि एक संवाहक की तरह काम में ले सकते हैं ये एक संवाहक की तरह इसको काम में लिया जा सकता है क्लोनिंग क्या है क्लोनिंग का मतलब क्या होता है देखिए जब आप वेक्टर की मदद से जब आप वेक्टर की मदद से किसी एक विजातीय डीएनए को आप होस्ट सेल के अंदर डालते हैं तो होस्ट सेल के अंदर जाने के बाद में उसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाती है इसी प्रोसेस को हम क्लोनिंग कहते 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 हैं 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 इसी प्रोसेस को क्या क्लोनिंग मतलब जैसी मल्टीपल कॉपीज बन जाना किसी एक चीज की एक जैसी मल्टीपल कॉपीज बन जाना तो क्लोनिंग का मतलब क्या है मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए टेम्पलेट डीएनए की टेम्पलेट डीएनए की अन, अनेक समान कॉपियों को टेम्पलेट डीएनए की अनेक समान कॉपियों को निर्मित करना ही क्या है क्लोनिंग है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये मान लीजिए होस्ट सेल है और इस होस्ट सेल के अंदर मैंने इस होस्ट सेल के अंदर यहाँ पर ये इस वेक्टर के माध्यम से वेक्टर के माध्यम से इस डीएनए को कहाँ पर डाल दिया होस्ट सेल के अंदर डाल दिया तो होस्ट सेल में जाने के बाद में इसकी बहुत सारी क्या बन जाती मल्टीपल कॉपीज बन जाती है फॉरेन डीएनए की विजातीय डीएनए की उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं क्लोनिंग कहते हैं मेक मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए क्लोनिंग का मतलब होता है टेम्पलेट डीएनए की अनेक समान कॉपीज को क्या करना निर्मित करना इज इट क्लियर और नॉट इज इट क्लियर ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को चलिए तो क्लोनिंग समझ में आ गया है बढ़ते हैं आगे यदि अच्छा लग रहा है सेशन तो एक बार कमेंट कर सकते हैं लाइक जरूर कर सकते हैं ठीक है डीएनए खंडों का विलगन किस विधि के द्वारा होता है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी डन बाय देखो काटे गए डीएनए के खंडों को यदि आपने रेस्ट्रिक्शन एंडक्लियस एंजाइम से डीएनए को आपने काट दिया है और फिर डीएनए के काटे गए खंडों को और फिर के काटे गए खंडों को यदि आप क्या करना चाहते हैं सेपरेट करना चाहते हैं तो एक तकनीक का उपयोग होता है और उस तकनीक इलेक्ट्रोफोरसिस तो ऑलवेज रिमेंबर कैन बी डन बाई से डी एन ए फ्रेगमेंट्स कैन बी डन बाय अ टेक्निक को हम क्या बोलते हैं इज जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस के नाम से उसको जानते हैं इज इट क्लियर इज इट क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं मानव इंसुलिन को क्या कहते हैं मानव इंसुलिन को क्या कहा जाता है ह्यूमन इंसुलिन इज कॉल्ड देखिए बायोटेक्नोलॉजी की बायोटेक्नोलॉजी की इस सदी की बहुत बड़ी डिस्कवरी है और वो है मानव इंसुलिन की खोज पहले इंसानों के लिए इंसुलिन अवेलेबल नहीं था इंसान से निकाला गया इंसुलिन अवेलेबल नहीं था पहले स्लॉटर हाउस के अंदर बूचर खानों के अंदर कटने जा रहे जो ऑर्गेनिजम्स से, तो से किसको निकाला जाता था उनकी पेंक्रियास से इंसुलिन को निकाला जाता था लेकिन उस इंसुलिन को जब मानव के अंदर डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए उसको दिया जाता था तो बॉडी के अंदर बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते थे लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के डिस्कवरी के बाद में गुणसूत्र नंबर ग्यारह पर स्थित

तो उसका लीनियर होना जरूरी है उसका लीनियर होना जरूरी है लेकिन दिक्कत क्या है कि आप जैसे ही उसको काटते हैं जैसे कि ये सर्कुलर डीएनए था अब आपने इसको यहां से काटा आपने इसको यहां से काटा राइट तो ये इस कंडीशन के अंदर आ गया लेकिन आप फॉरेन डीएनए को इसमें इंट्रोड्यूस करें उससे पहले ही इसके सिरे फिर से क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं बात समझ में आ रही है मतलब आपने तो उसको काटा ताकि डीएनए को आप इंट्रोड्यूस कर पाओ लेकिन फिर से ये काटा लेकिन आप डीएनए को इंट्रोड्यूस करने उससे पहले ही जुड़ जाता है राइट ये वो है कुत्ते की पूंछ की तरह की बारह साल तक पाइप के अंदर रखा लेकिन फिर भी पाइप से निकालने के बाद में फिर टेढ़ी के टेढ़ी हो गई तो वैसे ही मामला है यहां पर भी तो एंजाइम विच रिमूव फॉस्फेट फ्रॉम फाइडेशन हमने क्या किया एक एंजाइम को यूज किया एल्कलाइन फॉस्फेट एंजाइम जो डीएनए के फाइव प्राइम सिरे से फॉस्फेट को हटा देता है तो जैसे ही आप फॉस्फेट को हटा दोगे तो वो जो डीएनए बार बार काटने के बाद में भी प्लाज्मिक डीएनए जो काटने के बाद में भी बार बार जुड़ रहा था तो उस डीएनए के सिरों का जो सेल्फ लाइगेशन हो रहा था आपस में जो सिरे जुड़ रहे थे वो फिर जुड़ेंगे नहीं और नहीं जुड़ेंगे तो उससे ये फायदा होगा कि आप आसानी से फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस कर पाओगे तो याद रखना डीएनए के फायदे सिरे से फॉस्फेट को हटाने वाला जो एंजाइम है वो एल्कोलाइन फॉस्फेटेज है केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स जानते हैं कि आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो आप लोग ये जानते हैं कि फॉस्फेटिज हमेशा फॉस्फेट को हटाने का क्या करता है काम करता है इज इट क्लियर दोस्तों चलिए पार्जीनिक गाय पार्जीनिक गाय का मतलब है ट्रांसजेनिक जिसको जीन ट्रांसफर करके बनाया गया सभी जानते हैं पार्जीनिक गाय जो है उसका नाम क्या था रोजी है तो रोजी के दूध में कौन सा मानव दुग्ध प्रोटीन पाया जाता है ट्रांसजेनिक काउ रोजी मिल्क कंसिस्ट ऑफ विच ह्यूमन मिल्क प्रोटीन ऐसा देखा गया है कि गाय के दूध के अंदर राइट और माँ के दूध में थोड़ा सा फर्क है के के दूध अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है वो गाय के दूध में नहीं पाया जाता तो वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा कि क्यों नहीं हम जीन ट्रांसफर करके एक ऐसी गाय का निर्माण करें जिसमें कि मानव के दूध में मतलब एक माता जो दूध प्रोड्यूस करती है उसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो प्रोटीन उस रोजी काऊ के मिल्क में भी पाया जाए तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि मानवों के अंदर एक माँ के अंदर राइट जो एक मिल्क प्रोटीन होता है जिसको कि हम बोलते हैं ह्यूमन एल्फा लेक्ट एल्बुमिन बनाने वाली जीन को लेकर रोजी काउ के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया आर यू गेटिंग तो उससे जो वो रोजी गाय का जो दूध था उस दूध में भी वही मानव प्रोटीन पाया गया जो माँ के दूध के अंदर पाया जाता है तो ऐसी गाय के दूध को जब बच्चे को दिया जाएगा तो बच्चे को वही मिल्क प्रोटीन अवेलेबल हो जाएगा जो कि माँ के दूध से अवेलेबल होता है तो पार्जीनिक गाय रोजी के दूध में कौन सा मानव दुग्ध प्रोटीन पाया जाता है ट्रांसजीनिक काउ रोजी मिल्क कंसिस्ट ऑफ विच ह्यूमन मिल्क प्रोटीन तो याद रखना ह्यूमन एल्फालेक्ट एल्बुमिन ये प्रश्न बहुत ज्यादा चांसेस हैं, हंड्रेड परसेंट चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन के पूछने के क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी की जेनेटिक इंजीनियरिंग की ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि आज हमारे पास में ऐसी टेक्निक्स है कि हम किसी भी जीन को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करवा के और वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं जो ह्यूमन बींग्स में होती है तो ये आ, करिश्मा है विज्ञान का ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों जीई का पूरा नाम तो जीई ए सी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी क्या कहते हैं इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी याद रखिएगा कि कोई भी प्रोडक्ट जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनता है या रिकॉमेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनता है या हम कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी से बनता है तो उसको अप्रूवल लेना पड़ता है ऐसा नहीं है कि कोई भी वैज्ञानिक को उसको बना दे और मार्केट के अंदर बेच दे नहीं क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी से बनने वाले प्रोडक्ट के अंदर दो चीजों की टेस्टिंग बहुत बहुत जरूरी है एक तो जो आपने बायोटेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट बनाया है उसका जब यूजर यूज करेगा मतलब कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म मानव उसको यूज करेगा तो उसकी बॉडी के ऊपर उसका क्या प्रभाव होगा और साथ के साथ जो है वो प्रोडक्ट जो किसी के द्वारा यूज किया जाएगा उसका एनवायरमेंट के ऊपर इंपैक्ट क्या होगा तो इन सब चीजों के लिए किसी भी बायोटेक्नोलॉजी की डिस्कवरी जब होती है प्रोडक्ट की डिस्कवरी होती है तो उसको अप्रूवल लेना पड़ता है तो उस अप्रूवल कमेटी का नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जी अभी हम भारत की बात कर रहे हैं यहाँ पर जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स का जो स्क्रीनिंग की जाती है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी से की जाती है अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग कमिटीज हो सकती है तो ये भी ध्यान रखिएगा किस वाहक की मदद से एडीए जीन को शरीर में प्रवेश करवाया गया आपको मालूम होना चाहिए जीन थेरेपी जीन चिकित्सा राइट जीन चिकित्सा का सबसे पहला प्रयोग 1990 के अंदर एक 4 साल की बच्ची के ऊपर किया गया था है ना और एक नए जीन को चिकित्सा है आज से अनेकों जब कोई बच्चा किसी जीनी विकार के साथ में पैदा अनुवंशिक विकार के साथ में पैदा होता था तो ये मान के चलते थे कि वो भगवान की देन है और वो अनुवंशिक रोग उस बच्चे की मौत के साथ में ही जाएगा लेकिन नहीं अब ऐसा नहीं है टेक्निक्स साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आज हम लोग उस फॉल्टी जीन को हटाकर एक स्वस्थ जीन को जीन लाइब्रेरी से लेकर और डाल सकते हैं और उस ऑर्गेनिज्म को ठीक कर सकते हैं तो किस किस वाहक की मदद से एडीए जीन को शरीर में प्रवेश करवाया गया एडीए जीन जो होता है वो एंजाइम एंजाइम को बनाने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों और एंजाइम बॉडी के लिए क्यों जरूरी है क्योंकि एंजाइम बॉडी के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि वह इम्यूनिटी देती है वो इम्यूनिटी के लिए क्या है जरूरी है प्रतिरक्षा के लिए जरूरी है तो याद रखना किस वाहक की मदद से किस वाहक की मदद से एडीए जीन को शरीर में प्रवेश करवाया गया एडीए जीन वाज इंट्रोड्यूस्ड विद हेल्प ऑफ वेक्टर तो याद रखना एडीए जीन को शरीर के अंदर डाला गया एडीए जीन को शरीर के अंदर डाला गया एक वेक्टर की मदद से और उस वेक्टर का नाम क्या था रेट्रोवायरल वेक्टर है ना या आप रेट्रोवायरल नहीं समझ में आए तो आप इसको शॉर्ट के अंदर ऐसे भी कह सकते हो रेट्रोवायरस वेक्टर आपको मालूम है रेट्रोवायरस फैक्टर जो है उसको अब क्या किया गया, कर दिया गया है रेट्रोवाइर को अब थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा और अब वो रोग नहीं फैलाकर और एक यूजफुल वेक्टर की तरह क्या होते हैं काम में आते हैं इज इट क्लियर और नॉट यस अरे यस yes और नो no? लिखिए लिखिए कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए ये हमारी ताकत है यही आपके कॉमेंट जो होते हैं वो एक टीचर को जोश देते हैं अरे टीचर को भी तो पावर चाहिए टीचर को भी तो जोश चाहिए राइट मैं पूरे दिन सोलह घंटे काम कर लेता हूँ लेकिन मालूम है थकता नहीं हूं और वो थकता नहीं हूं क्युं? क्यों क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में रहता हूँ पूरे दिन और बच्चों के बीच में जब तक मैं रहता हूँ तो कभी थकता नहीं हूँ चाहे सोलह घंटे काम करवा लो या बाईस घंटे काम करवा लो क्यों क्योंकि आप लोगों के कारण आप ही हैं जो हम लोगों को क्या देते हैं ऊर्जा देते हैं तो बढ़ते हैं आगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेवनटींथ बीटी विश प्रोटीन बीटी विश यानी कि बीटी टॉक्सिन प्रोटीन बीटी टॉक्सिन प्रोटीन बीटी विष प्रोटीन बेसिलस जीवाणु को क्यों नहीं मार देता आप समझिए आपने बायोटेक्नोलॉजी का एक एप्लीकेशन पढ़ा होगा कि बेसिलस थुरेंजिनेसिस नाम के बैक्टीरिया से बीटी टॉक्सिन जीन को निकालकर और हमने कॉटन प्लांट के अंदर डाल दिया तो उस कॉटन प्लांट को हमने नाम दे दिया बीटी कॉटन और उस बीटी कॉटन जो है वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट बन गया पेस्ट रेजिस्टेंट बन गया समझ में आ रहा है तो बीटी विष प्रोटीन बेसिलस जीवाणु को क्यों नहीं मार देता मतलब मेरे कहने का मतलब है कि बेसिलस थुरेंजिनेसिस नाम के बैक्टीरिया के अंदर बीटी टॉक्सिन जीन पाया जाता है उस बीटी टॉक्सिन जीन को जब हम लोग कपास के अंदर डालते हैं और कपास को, को कोई कीट खाने आता है तो उस कीट की क्या चली जाती है जान चली जाती है क्योंकि ये बीटी टॉक्सिन जीन बीटी टॉक्सिन प्रोटीन बनाता है और उसके कारण उसकी जान चली जाती है तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि जिस बैक्टीरिया से हमने बीटी टॉक्सिन जीन को निकाला क्या बीटी टॉक्सिन जीन उस बैक्टीरिया को प्रभावित नहीं करता है क्या तो नहीं करेगा नो no. क्यों क्योंकि वो जो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन जो होता है राइट right, या बीटी टॉक्सिन जीन जो है वो उस बैक्टीरिया के अंदर इनएक्टिव फॉर्म के अंदर मिलती है जिसको कि हम क्या कहते हैं प्रोटॉक्सिन कहते हैं तो ये निष्क्रिय प्रोटॉक्सिन के रूप में पाया जाता है लेकिन जब वो कीट के अंदर चले जाता है वो प्रोटॉक्सिन तो वो एक्टिव टॉक्सिन में क्या हो जाता है बदल जाता है तो याद रखना बीटी टॉक्सिन प्रोटीन को बेसिलेस जीवाणु बीटी टॉक्सिन प्रोटीन को कोट करने वाली बीटी टॉक्सिन जीन को हमने जीवाणु से निकाला लेकिन उसके अंदर उस जीवाणु को वो इसलिए प्रभावित नहीं करती है क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है लेकिन जब कीट उसको खा लेगा राइट कॉटन प्लांट के ऊपर फीड करेगा तो वो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन उसके अंदर चली जाएगी

तो याद रखना एंजाइम किसी के अंदर ना हो तो उसके अंदर एक डिजीज हो जाती है जिसका कि नाम है क्योंकि उसके अंदर नहीं होगा तो जो लिंफोसाइट है वो नॉन फंक्शनल हो जाएगी टी इंफोसाइड नॉन फंक्शनल हो जाएगी और टीलोसाइट नॉन फंक्शनल हो जाएगी तो आपको मालूम होना चाहिए कि टी इम्फोसाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्यूनिटी तो व्यक्ति इम्यूनिटी से संबंधित एक विकार से ग्रसित हो जाएगा और उसका नाम है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशियंसी सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशियंसी आगे बढ़ते हैं मानव इंसुलिन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया आपने थोड़ी देर पहले एक प्रश्न में देखा था कि मानव इंसुलिन को हम क्या कहते हैं यूमिलिन कहते हैं मानव इंसुलिन को क्या कहते हैं यूमिलिन कहते हैं जो कि एक बहुत बड़ी खोज है क्यों क्योंकि करोड़ों लोगों को यदि हमको करोड़ों लोग जो कि शुगर से डायबिटीज मेलिटस से ग्रसित हैं यदि हम उनको राहत देना चाहते हैं तो हमको उनको, उनको क्या देना पड़ता है इंसुलिन देना पड़ता है ह्यूमन इंसुलिन देना पड़ता है तो ह्यूमन इंसुलिन को सर्वप्रथम किसने बनाया तो ह्यूमन इंसुलिन को सर्वप्रथम बनाया था अमेरिका की एक कंपनी ने ह्यूमन इंसुलिन को सर्वप्रथम बनाया था अमेरिका की एक कंपनी ने और उस कंपनी का नाम क्या था एली लिली उस कंपनी का नाम क्या था दोस्तों एली लिली कॉटन बॉलवम्स को नियंत्रित करने वाले जीन्स कॉटन बॉलवर्म्स को नियंत्रित करने वाले जीन्स आपको मालूम है कपास की खेती को कपास की फसल को हर साल बहुत सारे ऐसे कीट होते हैं जिनको कि हम कॉटन बॉलवर्म्स कहते हैं वो कॉटन की बॉल्स जो लगती है कपास की कपास देखिए ना बॉल्स के रूप में लगती है तो कॉटन बॉलवर्म जो होते हैं कपास की खेती को 30 से 40 तक क्या कर देते हैं नुकसान पहुंचाते हैं तो हम लोगों ने क्या किया इसीलिए स्टूडेंट जेनेसिस से नामक बैक्टीरिया से निकाली गई कुछ जीनों को उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया और जब उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया तो वो कॉटन का जो प्लांट है वो कीटों के प्रति प्रतिरोधी बन बन गया गया इंसेक्ट रेजिस्टेंट बन गया, तो याद रखना यदि हम चाहते हैं कि कपास को कॉटन बॉलवॉम से कॉटन को कॉटन बॉलवॉम से हम रेजिस्टेंट बना दें कपास की फसल को कॉटन बॉलवॉम्स के प्रति प्रतिरोधी बना दें तो हमको दो जीन्स को यूज कर सकते हैं भूलना भूलना नहीं, भुलना नहीं, है ना जहां चुके वहां से प्रश्न आएगा तो कौन कौन से क्राई टू ए बी क्राई टू एन ए सी आपको मालूम है इस लाइनर सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंस क्या होता है एक तो ये क्या होता है कि क्विक रिमाइंडर देता है आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जब प्रेशर इनबिल्ट होता है तो आपको क्विक रिमाइंडर देने के लिए क्विक रिमाइंडर देने के लिए ये वन लाइनर सीरीज जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और दोस्तों यहां पर जो मैं वन लाइनर सीरीज देता हूं ये वो ये वो चैनल नहीं है वो नहीं है जहां पर कि केवल और केवल कोई आकर और वन लाइनर सीरीज को पढ़ देगा नहीं यहां पर आपको वन लाइनर सीरीज के अंदर भी हम कोशिश करते हैं कि एक्सप्लेनेशन दें और इतना ही नहीं केवल वन लाइनर सीरीज के अलावा भी बायोलॉजी बाय डॉक्टर एन एस जन चैनल के ऊपर मैंने एक हजार वीडियो केवल और केवल आप लोगों के लिए डाले हुए हैं यहां पर आप वन लाइनर सीरीज तो पढ़ती हैं लेकिन किसी को यदि कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तो जाकर और प्ले के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का जाकर और देखिए वीडियो वहां पर देखिए इंग्लिश मीडियम के अंदर भी वीडियोज है हिंदी मीडियम के अंदर भी वीडियोज है राइट वहां पर जाकर देखिए आपको कंटेंट मिलेगा आपको क्वालिटी मिलेगी आपको डीप स्टडीज मिलेगी आप तय मानिए आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आए सर्च कीजिए बहुत सारे टॉपिक्स मैंने डाल रखे हैं जो टॉपिक्स नहीं है वो टॉपिक्स भी हम लोग आपके लिए बहुत बहुत जल्द लेकर आएंगे बस आपको इतना सा काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ के साथ जो है वो वीडियोस के लिंक्स जो है वो आप लोगों को शेयर करने करने ज्ञान ज्ञान का प्रसार करने से बढ़ता है अपने पास में ही नहीं रखना है मैं हमेशा से कहता हूं कि अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि किसी दोस्त को यदि कोई चीज नहीं भी समझ में आ रही है तो उसको भी यदि चैनल का लिंक मिलेगा तो वो भी पढ़ पाएगा पढ़ने का अधिकार सबको है कॉटन so, बॉलवोम्स को नियंत्रित करने वाली जो जींस है वो कौन सी क्राई टू एंड क्राई वन सी दोस्तों भूलना नहीं है कॉटन बॉलवो को कंट्रोल करने वाली जो जीन्स होती है क्राई टू ए बी एंड क्राई वन सी क्राई टू ए बी एंड क्राई वन ए सी आगे बढ़ते हैं कोई दो मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिकरण जीवाणु के नाम पता नहीं कितनी बार ये प्रश्न जो है वो एग्जाम के अंदर पूछा गया है नेम एनी टू फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कई लोगों के दिमाग के अंदर एकदम से झटके से सोच रहे होंगे चलो राइजोबियम लिख देते हैं वो तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है नहीं मैं हमेशा से कहता हूं कि क्वेश्चन क्वेश्चन को को ध्यान से को ध्यान से से पढ़ना पढ़ना चाहिए चाहिए आपसे पूछा फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम फ्री लिविंग थोड़ी है वो तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो तो क्या है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है तो आपसे पूछा था नेम टू फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दोस्तों एक का नाम है एजेटोबैक्टर एक का नाम है एजोटो बैक्टर दूसरे का नाम है बैजेर किया है ना कौन सा है बाइजे किया एक तो है बाइजेनिकिया और दूसरा जो है वो कौन सा है एजेटो बैक्टर है कौन बोरर को नियंत्रित करने वाला जीन देखिएगा अभी आपने एक स्लाइड पहले देखा था कॉटन बॉलवोम्स को कंट्रोल करने वाली कौन सी होती जीन क्राई टू ए बी एंड क्राई वन ए सी मैं फिर बोल रहा हूँ क्राई टू ए बी एंड क्राई वन ए सी यहां पर देखिएगा यहाँ पर क्या है क्राई वन एबी ध्यान दीजिए वो था क्राई टू ए बी था ये क्या है क्राई वन ए बी तो कॉर्न बोरर कॉर्न बोरर समझते हो भुट्टे के अंदर कॉर्न कॉब होता है समझते हो मक्का उसके अंदर आपने देखा होगा कि कभी कभी सीड सेटिंग प्रॉपर नहीं होती है मक्के को छीलते हैं तो कुछ जगहों के ऊपर दाने नहीं होते हैं वहां पर छेद हो जाते हैं वो छेद करने वाला कौन होता है कॉर्न बोरर कॉर्न में छेद करने वाला तो कॉर्न बोरर तो यदि आप चाहते हो कि कॉर्न बोरर को कंट्रोल करो तो जिस जीन को यूज करोगे वो कौन सी क्राई वन ए बी यदि कॉटन प्लांट के अंदर आप इस जीन को डाल दोगे तो वो कौन, आप आप कॉर्न बोरर को कंट्रोल करना चाहते हो तो किसमें कॉर्न के अंदर मक्के के अंदर यदि इस जीन को इंट्रोड्यूस कर दोगे तो वो कॉर्न का जो प्लांट है वो रेजिस्टेंट हो जाएगा कॉर्न बोरर के प्रति क्लियर है आगे बढ़ते हैं बीटी विष के जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है बीटी टॉक्सिन आपको मालूम होना चाहिए बीटी टॉक्सिन कौन सा बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है छोटा सा प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है याद रखना बी का मतलब होता है बेसिलस टी का मतलब होता है याद रखना बीटी टॉक्सिन जीन को प्रोड्यूस करने वाला जो बैक्टीरिया है उसका नाम है बेसिलस थोरजीनेसिस इसी जीन को इसी बीटी टॉक्सिन जीन को जब हम इस बैक्टीरिया से निकाल कर किसी प्लांट के अंदर डाल देते हैं तो वो प्लांट जो है वो कई सारे इंसेक्ट्स के प्रति कीचों के प्रति प्रतिरोधी बन जाता है तो सुरें जिन्हे से सही हमने बीटी टॉक्सिन जीन को निकाला था अरे समझ में आ रहा है हाँ या ना बच्चों समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है क्या हम आपके लिए इसी तरीके के और भी बहुत सारे कुछ, बहुत सारे हम वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं अलग अलग टॉपिक्स पे हाँ या ना क्या आप चाहते हो कि इसी तरीके की और भी नई नई सीरीज हम लोग YouTube के ऊपर पूरी तरीके से फ्री हम लोग इस तरीके की लेकर आए हाँ या ना यदि हाँ तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए आपके लिए हम बहुत सारा कंटेंट आने वाले दिनों के अंदर यूट्यूब के ऊपर लाने वाले हैं सो so, निमेटोड जो तंबाकू पादप की जड़ों को संक्रमित करता है एक ऐसा निमेटोड एक ऐसा एसकी हेलमेंथिस का मेंबर जो कि टबेको प्लांट्स की रूट को क्या कर देता है खराब कर देता है हर वर्ष हर वर्ष तंबाकू की जड़ों को एक निमेटोड खराब कर देता है जिसकी वजह से तंबाकू तो की पैदावार के ऊपर जबरदस्त जो है वो क्या आती है कमी आ जाती है गिरावट आ जाती है दोस्तों उस निमेडोट का नाम है मेलोडिगाइन इनकोग्निशिया याद रखोगे क्या कहेंगे मेलोडिगाइन इनकोग्निशिया बोलो मेरे साथ में क्या नाम बोला मेलोडिगाइन इनकोग्निशिया भूलना नहीं है कदम से कदम चलाइए मेरे साथ चलिए हम साथ साथ चलेंगे और हम आपके सिलेक्शन तक आपके साथ में रहेंगे राइट अः आपसे आप, आप स्टूडेंट से हमारा टीचर्स का एक एक दिली रिश्ता कायम हो जाता है सबसे बड़ा रिश्ता कौन सा बोलो कौन सा गुरु और स्टूडेंट का ये सबसे बड़ा पवित्र रिश्ता सबसे बड़ा मजेदार रिश्ता है ना मैं आपके साथ में हूँ चलते रहिए हम लोग आपसे रूबरू होने के लिए मैंने मेरी टीम से कहा है कि मैं यार बच्चों से भी बातचीत करना चाहता हूँ मैं बच्चों से बातचीत करना चाहता हूँ हम बहुत जल्दी कुछ ऐसा करेंगे कि हम लोग पढ़ाने के साथ साथ उसके अलावा भी मैं आपकी बातों का जवाब दूं कुछ ऐसा करेंगे क्यू एंड ए राउंड करेंगे क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे आप कुछ क्वेश्चन से पूछें मैं आपको आंसर दे पाऊं कुछ कोशिश करेंगे समय निकालकर व्यस्त शेड्यूल में से थोड़ा सा समय निकालकर मैं आपसे रूबरू होना चाहता हूँ उससे दो फायदे होंगे आप लोग भी मोटिवेट हो जाएंगे और मैं भी आपसे बात करके और रिजनेट हो जाऊंगा बढ़ते हैं आगे

जब बायोटेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ तो एक नॉवल स्ट्रेटेजी का यूज करिए नॉवल मतलब नवीनतम तकनीक का उपयोग करके और आ, उसको कंट्रोल किया गया और उसका नॉवल टेक्निक का नाम था आर एन आरएनए इंटरफियरेंस आर एन जिसको हिंदी में बोलते हैं आर एन मतलब आर एन ए टांग आर एन ए जो है आर एन का मतलब होता है आर एन ए जो है वो आर एन ए द्वारा टांग राइट और मेलिड इनकोग्निशिया को क्या किया गया कंट्रोल किया गया ये इंटरफेरेंस जो है वो आप लोग में जाकर देखिए आपको अच्छा लगेगा तेल को खाने वाला जीवाणु ऑयल फीडिंग बैक्टीरिया देखिए बायोटेक्नोलॉजी और विज्ञान का प्रसार होता है तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें जो है वो सुगम हो जाती है ऑयल फीडिंग बैक्टीरिया इस ऑयल फीडिंग बैक्टीरिया के बारे में बता दें आप सभी जानते हैं कि ज्यादातर तेल जो है वो कहां से आता है गल्फ कंट्रीज आता है अरेबियन कंट्रीज आता है तो वहां से जब वो कंटेनर्स के अंदर है ना लाखों लीटर बैरल तेल जो है जब कंटेनर्स में आता है तो वो जब शिफ्ट किया जाता है अपने यहाँ के कंटेनर्स के अंदर तो समुद्र में उस ट्रांसफर के दौरान बहुत सारा जो क्रूड ऑयल है क्रूड मतलब पेट्रोल डीजल वगैरह ये सब कहाँ पर बह जाता है समुद्र के अंदर बह जाता है और समुद्र में जब बह जाता है तो ये तेल की जो परत है वो जाकर और मछलियों के गिल्स के ऊपर जमा हो जाती है और मछलियां जो है वो श्वसन के अभाव के कारण राइट रोजाना समुद्र तटों के किनारे लाखों करोड़ों की संख्या के अंदर मछलियां क्या हो जाती थी मर जाती थी अब कोई समुद्र तो बहुत बड़ा है उसका कोई एंडलेस है समुद्र तो आ, का तो का कोई अंत होता नहीं है तो लोग परेशान हो गए कि उस ऑयल को साफ कैसे किया जाए ऐसा तो है नहीं कि कोई मोटर पंप लगा दिया और ऊपर से जो है वो तेल को खींच लिया गया राइट कोई तेल कोई घिरा है वो कोई एक दो लीटर थोड़ी है हजारों करोड़ों लीटर बैरल तेल जो है वो रोजाना समुद्र के अंदर बह जाता है तो फिर एक नॉवल स्ट्रेटेजी को यूज किया गया एक भारतीय मूल का वैज्ञानिक था डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती क्या नाम था मेरे साथ में बोलो डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती ने एक ऐसे राइट सुडोमोनास पुटीना नामक बैक्टीरिया की खोज कर दी जिसको क्या खाना पसंद था ऑयल खाना पसंद था बस फिर क्या था फिर तो इस बैक्टीरिया को लेकर पानी के अंदर छोड़ दिया समुद्र के अंदर चुटकियों के अंदर सारी के सारी चीजें क्या हो गई सॉल्व हो गई क्यों क्योंकि जब बैक्टीरिया बैक्टीरिया को पानी में छोड़ा गया तो पनपा उसने खूब सारे झुंड बनाए और इस बैक्टीरिया का खाना क्या था तेल भाई साहब तेल को रोज ये सुडोमोनास पुटीडा नामक भाई साहब जो है वो रोजाना क्या करते गए तेल को खाते गए खाते गए खाते गए समुद्र एकदम नीट एंड क्लीन कोई दिक्कत ही नहीं थी तो सोचिए विज्ञान का करिश्मा देखिए आगे बढ़ते हैं रोग के निदान के लिए आजकल किन तकनीकों का प्रयोग होता है आप किसी डॉक्टर के पास में जाएंगे तो डॉक्टर जांच कौन सी करवाएगा खून की जांच करवाएगा या मूत्र की जांच करवाएगा या तो यूरिन का टेस्ट किया जाता है या ब्लड का टेस्ट किया जाता है आज भी यही होता है लेकिन यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट जो है वो कई बार रोग को पकड़ नहीं पाते हैं तब तक बहुत देरी हो चुकी होती है तो आजकल अर्ली डायग्नोसिस के लिए रोग को जब वो रोग का प्रसार शुरू हो बॉडी के अंदर जब रोगाणु हमारे शरीर को प्रभावित करना शुरू करे तभी जांच के अंदर यदि पता लग जाए तो तो सोने के ऊपर सुहागा यदि शुरुआत में ही मालूम पड़ जाए कि रोगी किस चीज से ग्रसित है तो फिर उसको ट्रीट करना क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा तो जी हाँ अर्ली डायग्नोसिस के लिए विज्ञान के अंदर दो टेक्निक्स का यूज किया जाता है पीसीआर पोलिम्रेशन रिएक्शन और एलिसा एंजाइम लिंक्ड एंजाइमलिंग एसिड राइट right? ये ऐसी टेक्निक है जिसमें कि अर्ली डायग्नोसिस क्या है संभव है जैसे कि एक उदाहरण देता हूं किसी एक व्यक्ति के अंदर एड्स का वायरस एच आई वी चला गया है अब एड्स वायरस की बड़ी स्पेशलिटी ये है कि कभी पेशेंट के अंदर वो एक्सप्रेस ही नहीं होता है कई बार कई बार तो पांच से दस साल तक भी एक्सप्रेस नहीं होता है मतलब एक एड्स रोगी अपने अंदर एच आई वी वायरस को लेकर घूम रहा है और वो फैलाया जा रहा है स्प्रेड करते जा रहा है डिजीज को और उसको मालूम ही नहीं है कि वो खुद एड्स का क्या है रोगी है यदि सोचो जरा यदि ऐसी कोई तकनीक हो जो कि पहले से ही डायग्नोसिस करके बता दे कि भैया तुझे एड्स है तो कम से कम दूसरों की तो जिंदगी खराब नहीं होगी तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए क्या किया जाता है एलिसा टेस्ट किया जाता है एलिसा टेस्ट एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे और एक और पॉलीमरेशन रिएक्शन तो ये जो है वो जो ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट ये आने वाले दिनों के अंदर पुरानी पिक्चरों की कहानी हो जाएगी क्या बोला मैंने बोलो पुरानी पिक्चर की घिसी पिटी कहानी हो जाएगी आने वाले समय के अंदर जब आप लोगों के टाबर टाबर हो जाएंगे तब आप लोग बच्चों की जांच करवाने जाएंगे तो ऐसी ही मोलिकुलर डायग्नोसिस की टेक्निक यूज होगी तब आप कहेंगे अरे यार अ टाइम हमारे समय में तो केवल ब्लड टेस्ट और यूनियन टेस्ट होता था आने वाले दिनों के अंदर जांचों का स्वरूप बदलेगा क्योंकि विज्ञान आगे बढ़ेगा और इस तरीके से काफी पहले ही अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा अरे बच्चा आजकल तो ऐसी टेक्निक्स है जब बच्चा माँ के कोख के अंदर होता है तब ये बता दिया जाता है कि इस बच्चे को यह रोग है ये सब किसका करिश्मा साइंस का करिश्मा है डीएनए में इलेक्ट्रोफोरोसिस में देखने के लिए किससे अभिनंजित करते हैं डीएनए टू व्यू डीएनए इन वी यूज स्टेन आप सभी जानते हैं कि काटे गए डीएनए के खंडों को पृथक करने के लिए है ना टू सेपरेट एंड टू आइसोलेट द फ्रेगमेंट ऑफ द डीएनए अ टेक्निक इज एंड दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस लेकिन आपको मालूम होना चाहिए

आप जेल इलेक्ट्रोफोरसिस के अंदर आप जब एथिडियम ब्रोमाइट को डालोगे और ऊपर से यूवी लाइट को डालोगे तो आपको चटक केसी रंग ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स नजर आना शुरू हो जाएंगे और फिर आप उसको पृथक कर सकते हो तो डीएनए में इलेक्ट्रोफोरसिस में देखने के लिए डीएनए डीएनए को इलेक्ट्रोफोरोसिस में देखने के लिए किससे अभिरंजित करते हैं तो दोस्तों उसका नाम है उस स्टेन का नाम है एथिडियम ब्रोमाइड उस स्टेन का नाम क्या है एथिडियम ब्रोमाइड बोलो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है यदि अच्छा लग रहा है तो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर थम्स अप कर दीजिए कमान यस डीएनए खंड किस प्रकार के आवेश अणु है डीएनए फ्रेगमेंट्स आर विच टाइप ऑफ चार्ज मोलिक्यूल डीएनए एक आवेशित अणु है और याद रखना कि डीएनए एक ऋणात्मक आवेशित अणु है डीएनए इज ए ने चार्ज मोलिक्यूल ऑलवेज रिमेंबर डीएनए कैसा है भैया नेगेटिवली चार्ज्ड मलिक्यूल है स को, को, को समान रखने पर डीएनए की दोनों लड़ियों को एक जैसा पढ़ा जाए सीक्वेंस ऑफ द बेस रीड सेम ऑन द टू स्ट्रेंट वेन ओर ऑफ रीडिंग सेम जैसे की एक एग्जाम्पल देता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा तो आ ऐसे मैंने लिखा G A A T T C इसका डायरेक्शन है फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम और ये C T T A A G अब मैं इधर से इधर पढूं फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम राइट और ये फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम है इसको इधर से इधर पढूं फाइव प्राइम तो G A T T C है ना और इसको भी मैं यदि उसी डायरेक्शन के अंदर पढूं दूसरी चेन को भी तो वो उल्टी सीधी एक समान हो जाएगी G A A T T C देखो मैं इधर से जा रहा हूं मैं इधर से जा रहा हूं जी वापस से फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम में गया G -A -A -T -T -C. तो जो जब जब reading का orientation समान रखा जाए दोनों ही के ऊपर या तो फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम में दोनों रज्जु को पढ़ो या फिर थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम के अंदर पढ़ो लेकिन पढ़ने का डायरेक्शन दोनों के अंदर सेम रखना पड़ेगा तो दोस्तों सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं है? अरे यूं समझो अभी भी नहीं समझ में आया हो तो देखो मैं कुछ लिखता हूं हंसना मना है तेजू के पापा के जूते है ना जो उल्टा सीधा समान हो वो क्या होता है होता है देखना जरा तेजू के पापा के पापा जूते उल्टा पढ़ें तो उधर से उधर से आए ऐसे चले तेजू के पापा के जूते तेजू के पापा के जूते तेजू के पापा के जूते और ले लेते हैं चलो एम ए डी एम

अरे पेलिंड्रोम अब तो नहीं बुलोगे भैया तेजू के पापा के जूते हाँ भैया तेजू भैया आया समझ में ओके लाभकारी जीन के प्रवर्धन की तकनीक टेक्निक फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यदि आप चाहते हैं कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा एम्प्लीफाई कर दें जीन ऑफ इंटरेस्ट को यदि आप एम्प्लीफाई करना चाहते हैं तो टेक्निक फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है पीसीआर पीसीआर एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर की आप किसी भी एक लाभकारी जीन को जीन ऑफ इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा मल्टीपल नंबर्स के अंदर क्या कर सकते हैं दोस्तों मल्टीप्लाई कर सकते हैं बीटी के जीन द्वारा कुटबद्ध होता है बीटी बीटी टॉक्सिन टॉक्सिन कोडेड बाय जीन जीन को को कोड करने वाली क्या कहते हैं आप सब जानते हो बेसिलस नाम के बैक्टीरिया से क्या निकालते हैं बीटी टॉक्सिन को निकाला जाता है तो मैं कह रहा हूं कि बीटी टॉक्सिन को कोड करने वाली कौन सी जीन है जो बेसिलेसनेसिस के अंदर होती है तो उसका नाम क्या है क्राइजीन सी आर वाई उसको क्या बोलते हैं क्राइजीन कहते हैं

राइट right? और ये हमारे बॉडी के अंदर शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है रेगुलेट करने का काम करता है और एक मिच्योर इंसुलिन में फिर बोल रहा हूं क्वेश्चन के अंदर वो देखना है कि वो इमेच्योर इंसुलिन पूछ रहा है या मिच्योर इंसुलिन पूछ रहा है मिच्योर इंसुलिन के अंदर दोस्तों दो पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है चेन ए और चेन बी चेन ए और चेन बी जैसे ये चेन ए है तो ये क्या है चेन बी है इंसुलिन की दो श्रृंखलाएं जुड़ी रहती है द टू चेन्स ऑफ द इंसुलिन आर हेल्ड टुगेदर बाय मान लीजिए ये चेन ए है और ये चेन बी है

पहले किसान इंद्र भगवान की तरफ देखता था और बारिश के दिनों के अंदर है इंद्र भगवान राइट लेकिन अब किसान को किसी की मेहरबानी की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग ने कुछ ऐसी फसलों को बना दिया है जिनको एक बार लगा दो बीज को बो दो तो फिर उसके बाद में पानी की कोई टेंशन नहीं सूखे की कोई टेंशन नहीं ठंड की कोई टेंशन नहीं पाला गिरे तो कोई टेंशन नहीं तो जीएमओ को क्या बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आने वाले दिनों के अंदर हर चीज़ जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होगी आप मार्केट के अंदर चावल खरीदने जाओगे तो आपको मिलेगा जेनेटिकली एनरिच्ड है ना वाइटामिन एनरिच्ड राइस आपको जो चाहिए वो मिलेगा जापान के अंदर दोस्तों जो है वो लोग खाना नहीं खाते इतना काम करते तो हैं तो वो खाना नहीं खाते हैं तो वो क्या कर लेते हैं अपनी भोजन की नीड्स को पूरा करने के लिए जैसे लंच के वक्त में एक ऐसा कैप्सूल खा लेते हैं वो कैप्सूल खाने से उसको जितने भी इंग्रेडिएंट चाहिए प्रोटीन विटामिन फैट और जितना भी विटामिन वगैरह चाहिए वो सब उसको उससे क्या हो जाएगा अवेलेबल हो जाएगा तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स एक एक बहुत अच्छी चीज है जो कि डेवलप की गई है बायो टेक्नोलॉजी से जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में किस जेल का उपयोग होता है जैसे कि आपने देखा था कि जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था किस अभिरंजक का प्रयोग होता है तो हमने नाम लिया था एथीडियम ब्रोमाइड उसी तरीके से जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में किस जेल का यूज होता है तो जिस जे जेल का यूज होता है तो एक तो बहुत पॉपुलर है आपकी किताबों में भी होती है एगेरोज जेल लेकिन वहां पर हायर लेवल के ऊपर परीक्षाओं में मान लीजिए कि

देखिए इसको मॉडिफाई कर दिया गया है जीवाणु के अतिरिक्त प्लाज्मिट के समूह के जीवाओं में पाए जाते हैं ये थोड़ा सा क्वेश्चन शायद आप लोगों को नहीं आता होगा अपार्ट फ्रॉम बैक्टीरियल सेल विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स नॉर्मली क्या होता है को कहां से निकाला जाता है बैक्टीरियल सेल से निकाला जाता है प्लाज्मिक को बैक्टीरियल सेल से निकाला जाता है लेकिन आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दू एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दे दू कि बैक्टीरियल सेल के अलावा बैक्टीरियल सेल के अलावा हम प्लाज्मिट्स को बैक्टीरियल सेल के अलावा हम प्लाज्मिट्स को यीस्ट सेल से भी आइसोलेट कर सकते हैं प्लाज्मिट कैन आल्सो बी आइसोलेटेड फ्रॉम यीस्ट सेल अदर देन बैक्टीरियल सेल गोल्डन राइस किस विटामिन से युक्त होता है दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग का कमाल देखिए कि उन्होंने एक ऐसे राइस को बना दिया था जो विटामिन एन रिच था तो याद रखना गोल्डन राइस किस विटामिन से युक्त होता है तो गोल्डन राइस जो है वो एक ऐसी चावल की किस्म है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से विकसित की गई थी

डायबिटीज से निजात दिलानी थी ना राइट तो बहुत ज्यादा लीटर हमको कल्चर चाहिए था तो उस बहुत ज्यादा लीटर कल्चर के लिए बड़े बड़े ऐसे हौज होते हैं ऐसे बड़े बड़े जो हैं वो बायो रिएक्टर्स होते हैं जिनके अंदर बायोटेक्नोलॉजी से डिस्कवर किए गए उस प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं बनाते हैं तो दोस्तों जो जनरल दो बायो रिएक्टर्स बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर यूज होते हैं एक का नाम है सिंपल स्ट्रीड टैंक बायो रिएक्टर साधारण विलोडन होज रिएक्टर और दूसरा स्पार्ज स्टेज टैंक बायो रिएक्टर दंड विलोडक खोज बायो रिएक्टर इन दोनों का यूज होता है जनरली जिसमें हजारों लीटर कल्चर को हम एक ही समय के ऊपर बना सकते हैं समझ में आया या नहीं आया आज की फीस क्या है मालूम है आज के इस लाइव सेशन की फीस क्या है मालूम है बस एक बढ़िया सा एक तगड़ा सा कमेंट कर दो और एक लाइक कर दो बस ये आज की है आप आगे बढ़ते रहें और कुछ नहीं है आपके कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन है हमारे लिए है, जोश है हमारे लिए है, उमंग है हमारे लिए जुनून प्रश्न चक्रों के, में कितनी 30 तो तीस साइकल के द्वारा एक बिलियन कॉपी मतलब एक अरब कॉपीज बनाई जा सकती है अब ये आपकी किताबों के अंदर ये लिखा हुआ होता है कि तीस पीसीआर साइकिल जब कंप्लीट होगी तो एक बिलियन कॉपीज बन जाएगी अरे कैसे बन जाएगी इसको तो समझाओ तो टू की पावर एन एन क्या है नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल तो सिंपल है एक पीसीआर साइकिल कंप्लीट हो तो दो कॉपी बनेगी दो पीसीआर साइकिल कंप्लीट हो तो टू इंटू टू चार कॉपी बनेगी तीन पीसीआर साइकिल कंप्लीट हो टू इंटू टू इंटू टू तो आठ कॉपी बनेगी टू टू जो फोर फो टू जाट चार पीसीआर साइकिल कंप्लीट तो जा 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 है ना और पावर का कमाल देखिए जब टू की पावर थर्टी लग जाएगी तो अप्रोक्सीमेटली वन बिलियन कॉपीज बन जाएगी है ना तो पावर की तरह बढ़ते रहिए जीवन के अंदर रुके नहीं थमे नहीं पावर की तरह आगे बढ़ते रहे ओराई क्या है ओराई एक वेक्टर की विशेषता है ओराई एक वेक्टर की विशेषता है ओराई बोले तो ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन ओराई बोले तो दोस्तों क्या ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन जैसे कि नेम शो कर रहा है स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस

EFB का पूरा नाम यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB EFB का पूरा नाम क्या है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इस ये एक ऐसा फेडरेशन है जिसने की बायोटेक्नोलॉजी की एक परिभाषा भी दी है मुझे ध्यान है कि वो परिभाषा जो है वो ट्वेल्थ एनसीआर आप लोगों के जो चैप्टर है उसके अंदर वो पहले पहले पेज के ऊपर शायद वो परिभाषा भी दे रखी है पढ़ लेना यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सीमाकारी एंडोन्युक्लियर एंजाइम की खोज हु डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस जंजन की खोज बायोटेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत खास खोज थी और इसे तीन वैज्ञानिकों ने इसको खोजा आ, आर्बर और स्मिथ न्यूक्लियस जंजैन की खोज का श्रेय आर्बर न और स्मिथ को जाता है और इसीलिए इन वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार एनबी से भी सम्मानित किया गया आर आरडीएनए का अन्य नाम आर डीएन ए जानते हो क्या होता है रिकॉमिनेट डीएनए अरे भाई पुनर्युगज डीएनए रिकॉम डीएनए

एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा डीएनए को कोशिका में प्रवेश करवा दिया जाता है तो उसको हम क्या कह कहते हैं, रखना जैसे ही होस्ट सेल के अंदर हम डीएनए को प्रवेश करवा देंगे तो वो होस्ट सेल ट्रांसफॉर्म्ड कहलाएगी वो होस्ट सेल क्या कहलाएगी रूपांतरित कहलाएगी आगे बढ़ते हैं जीन गन विधि क्या है ये एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम रिकोमेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर प्रवेश करवा देते हैं जीन गन मेथड बहुत बहुत पॉपुलर है पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है सेल्स आर बोमबार्ड जीन गन मेथड में क्या करते हैं होस्ट सेल्स आर बोमबार्डेड विथ हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद डीएनए सेल्स आर बोमबार्डेड विथ कौन सी सेल्स होस्ट सेल्स सेल्स आर बोमबार्डेड विथ हाई वेलोसिटी ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन कोटेड विथ डीएनए डीएनए के द्वारा आवृत डीएनए के द्वारा आवृत गोल्ड व टंगस्टन के शुष्क कणों को उच्च वेग पर परपोषी कोशिका पर क्या किया जाता है मारा जाता है ताकि डीएनए होस्ट सेल के अंदर पहुंच जाए इसी को हम क्या कहते है? जीन गन कहते हैं हैं विधि विधि दोस्तों जी अगला क्वेश्चन है का अन्य नाम जीनगन मेथड का अन्य नाम क्या है तो इसको हम बायोलिस्टिक मेथड कहते हैं क्या कहते हैं बायोलिस्टिक मेथड तो पॉपुलर नाम तो झीनगन मेथड है लेकिन कभी बायोलिस्टिक से क्वेश्चन पूछे तो कंफ्यूजन मत रखना बायोलिस्टिक बोले तो झीनगन मेथड ही तो ये थी हमारी हाफ सेंचुरी और कुछ लोगों को दिमाग में यदि है कि यार काश हो जाए जितने भी नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके मन में प्रश्न आता है कि इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाए वन लाइनर क्वेश्चन की क्योंकि सर तो आने वाले दिनों के अंदर सर ने वादा किया है कि बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आएंगे तो पीडीएफ अवेलेबल हो जाए तो बड़ा ही सोने पर सुहागा हो जाता तो यस आप लोगों की सहूलियत के लिए हमने ये आप लोगों को सुविधा दी है आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर सुपर गुरु ऐप को सुपर गुरु ऐप को डाउनलोड करना है वहां पर इस तरीके से आप डाउनलोड करोगे तो ऐसे तीन बार दिखाई देंगे जब इस बार के ऊपर क्लिक करोगे तो एक स्टडी मेटेरियल का सेक्शन खुलेगा स्टडी मटेरियल सेक्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोगों को एक वन लाइनर सीरीज का फोल्डर मिलेगा वहां पर अभी तक मैंने जितने भी लिए हैं लाइव सेशंस उनके पीडीएफ वहां पर अवेलेबल हमने करवा रखे हैं

राइट right? तो भूलना मत पीबीआर जानकारी होनी चाहिए आज आप पढ़ रहे हैं कल के दिन आप भी पढ़ाएंगे किसी जगह पे जाकर तो आपसे कोई पूछ सकता है कि सर पी क्या बी क्या आर क्या तो दोस्तों पी क्या प्लाजमे बी आर क्या अरे यार खोज करता है पीबीआर थ्री ट्वेंटी टू की खोज किसने की

गुलाबी फेफड़ों के साथ में पैदा हुआ था लोग सिगरेट फूंक फूंक के फूंक फूंक के अपने फेफड़ों को क्या बना रहे हैं काला बना रहे हैं और अपनी जिंदगी को किस में डाल रहे हैं घर्त में डाल रहे हैं तो इम्फाइसीमा रोग हो सकता है चेन स्मोकिंग से तो इम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए एल्फा वन एंटीट्रिप्सिन एल्फा वन एंटीट्रिप्सिन -एं का यूज होता है तो विच एंजाइम इज यूज टू ट्रीट इम्फाइसीमा एल्फा वन एंटीट्रिप्सिन एल्फा वन एंटीट्रिप्सिन इसको भी प्रिपेयर किया गया किसके द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा एक ऐसा जंतु वायरस जिसका उपयोग संभाग की तरह होता है एक ऐसा जंतु वायरस एनिमल वायरस जिसका यूज वेक्टर की तरह होता है तो आजकल जिसका यूज वेक्टर की तरह होता है उसका नाम है रेट्रो वायरस रेट्रोवाइरसा तो वायरस है जो डिजीज कॉजिंग वायरस है लेकिन वैज्ञानिकों ने इसको मॉडिफाई कर दिया है और अब इसको मॉडिफाई करके रूपांतरित करके इसे एक अच्छे वैक्टर के अंदर बदल दिया है जो कि जीन ट्रांसफर कर सकता है शालन क्या है इल्यूशन ये इल्यूशन आपको मैं याद दिला दूं आपने जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस पढ़ा हो तो उसके आखिर सबसे आखिरी में ये स्टेप आती है

वॉट इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोगेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाइजेशन इस बात को चेक करने के लिए है ना सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा डीएनए पाचन की प्रक्रिया की प्रगति को जानने के लिए हम क्या यूज करते हैं मतलब कि सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने डीएनए के खंडों को डीएनए को खंडों में काटा या नहीं काटा इस बात को चेक करना चाहते हैं तो हमको डीएनए के खंडों को सेपरेट करना पड़ेगा

इंसुलिन में कुल कितनी श्रृंखलाएं पाई जाती है प्रो इंसुलिन देखिए थोड़ी देर पहले हमने मेच्योर इंसुलिन की बात कही थी तो मेच्योर इंसुलिन के अंदर तो केवल बेटा दो ही चेन्स होती है एक होती है चेन ए और एक होती है चेन बी लेकिन प्रो इंसुलिन इंसुलिन के के अंदर के अंदर तीन चेन्स होती है याद रखना चेन ए चेन बी और एक तीसरी चेन और होती है जिसको कि चेन सी कहते हैं या जिसको की सी पेप्टाइड भी कहते हैं तो बस क्वेश्चन में देखना है कि प्रो इंसुलिन पूछा है तो तीन चेन होगी चेन ए चेन बी चेन सी

तंबाकू के पादप को मेलोडी गाइन इनकोग्निशिया नाम का निमेटोड प्रभावित करता था और मैंने कहा था कि तंबाकू के पादप की जड़ों को उस निमेटोड से बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नॉवल स्ट्रेटेजी एक नई स्ट्रेटेजी का यूज किया था जिसका कि नाम था आरएनए इंटरफेरेंस तो प्रश्न ये है कि आरएनए इंटरफेरेंस का प्रारंभन कौन करता है आखिर जो आर एन है राइट वो उसका प्रारंभन कौन करता है तो आरएनए इंटर जिसको कि हम लोग इंटरफेरेंस का प्रारंभ करने वाला जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है कौन होता है वीर विरजुकीय आरएनए ठीक है निवेशन से निष्क्रियन क्या है निवेशन से निष्क्रियन होना मतलब कि एक जीन को आप इनएक्टिवेट कर सकते हो फॉरेन डीएनए डालकर तो इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन बाय इंसर्शन ऑफ डीएनए डीएनए के निवेशन से डीएनए के निवेशन से

तो बताओ फॉरेन डीएनए के इंट्रोडक्शन से फॉरेन डीएनए के इंट्रोडक्शन से जीन क्या हो गई इनएक्टिव हो गई तो इसको बोलते हैं निवेशन से निष्क्रिय निष्क्रियल इनएक्टिवेशन आगे बढ़ते हैं प्रथम क्लोनिंग वाहक कौन है फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर तो ये जो सबसे पॉपुलर जो क्लोनिंग वेक्टर है ना पीबीआर थ्री ट्वेंटी टू वो वास्तव में एक कृत्रिम क्लोनिंग संवाह है ये पहला आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है जिसका इतने वृहद स्तर के ऊपर यूज होता है

थी वो देन फ्लेवर वेराइटी जो थी वो प्रथम ट्रांसजेनिक टोमेटो की वेराइटी थी बहुत हार्ड होता है बहुत सॉलिड होता है साइज में क्या होता है बड़ा होता है की एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो कि जीवाणु कोशिका से पृथक करते हैं तो ये कई लोगों का आता नहीं है जबकि आपको आना चाहिए कि प्लाज्मिट की खोज किसने की तो लेडरबर्ग और हेज ने की लेडरबर्ग और हेज नामक वैज्ञानिक ने की पांच भिन्न प्रकार के संवाहकों के नाम नेम द फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स कौन कौन से आप यूज में लोगे तो बहुत सारे होते हैं लंबी चौड़ी लिस्ट है मैं कुछ खास फैक्टर्स यहाँ पर नाम लिख रहा हूं प्लाजमिट्स बैक्ट्रीफेज कॉस्मिट विजिस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रमोजोम और कुछ वायरसेस जैसे कि रेट्रोवायरस वगैरह तो प्लाजमिट बैक्टीरियोफेज कॉस्मिट्स वाईएसी बी एसी वायरसेस ये कुछ प्रचलित फैक्टर्स के नाम है अनुवांशिक अभियंत्र किया जनक जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो यार ये तो बनता है कि फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन है मैंने कहा ना कि हम लोग यहाँ पर चुन चुन के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे यहाँ पर कोई फालतू बात नहीं होगी केवल काम काम और काम होगा केवल कंटेंट होगा केवल क्वालिटी होगी केवल क्वालिटी चीजों के ऊपर ही हम बात करेंगे फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन पॉल पॉलबर्ग जंतु क्लोनिंग द्वारा डोली भेड़ का निर्माण किसने किया ये तो सभी जानते हैं कि एनिमल क्लोनिंग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जंतु क्लोनिंग का सबसे बढ़िया जो उदाहरण है वो कौन है डौली शिप का है कि भाई वो जीन ट्रांसफर करके और डॉली भेड़ को बनाया गया बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूज किए हुए तो डॉक्टर डॉक्टर यान यान ने राइट जीन जंतु क्लोनिंग के द्वारा शिप का निर्माण किया तो ये महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है वांछित डीएनए के अन्य नाम आप समझते हो कि वेक्टर के साथ में आप वांछित डीएनए को मिलाकर डीएनए बनाते हो डीएनए बनाते हो इतना तो सभी जानते हैं ना तो

एमआरएनए से जो डीएनए बनता है उसको सीडीएनए कहते हैं डीएनए कहते हैं पूरक डीएनए कहते हैं और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से बनता है तो सी डीएनए किससे बना दोस्तों किस, uh, की, की मदद से ठीक है और कौन सा प्रोसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्लियर आगे बढ़ते हैं सी डीएनए क्या है सी डीएनए बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए राइट right? इसको कहा संग्रहित किया जाता है तो इसको लाइब्रेरी में स्टोर किया जाता है एक सी डी एन ए पुस्तकालय होता है वहां पर इसको स्टोर किया जाता है जब भी आवश्यक हो तो आप उसको ले सकते हो प्राइमर क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके बिना रेप्लिकेशन की शुरुआत नहीं हो सकती है इसके बिना पीसीआर टेक्निक नहीं चल सकती है तो प्राइमर क्या है स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड मतलब कुछ न्यूक्लियोटाइड से निर्मित होते हैं

ये जो टुकड़ा होगा जिसकी सीक्वेंस टेम्पलेट डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री होती है उसको अपने दोस्तों क्या कहते हैं प्राइमर कहते हैं एलिसा जांच किस पर आधारित है आपको मालूम है किसी के अंदर एड्स है या नहीं है उसको जांचने के लिए उसका एलिसा टेस्ट होता है एंजाइम इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड तो एलिसा टेस्ट जो किसके ऊपर आधारित है तो बहुत कॉमन टेस्ट है आजकल और बहुत इंपॉर्टेंट भी है तो ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के ऊपर आधारित है यह प्रतिरक्षी

जितने भी प्रोडक्ट जो साइंस के अंदर बनते थे है ना स्पेशली जो ह्यूमन मेडिसिन उनको यूज किया जाता था, था किसके ऊपर बंदरों के ऊपर लेकिन बंदर इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म है और उसके ऊपर आप टेस्ट कर रहे हो तो उस टेस्टिंग के अंदर कई सारे बंदरों की मौत भी हो जाती थी तो पीपल फॉर एनिमल्स ने कहा कि भाई आप अपने टेस्टिंग के लिए इतने बड़े जीव को कैसे सेक्रीफाइस कर सकते हो इसी दौरान बायोटेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ और फिर तो चूहों को डेवलप कर लिया गया तो आज की तारीख में 95% प्रतिशत ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कौन है चूहे हैं प्रोटोप्लास्ट संलेन किसकी मदद से किया जाता है प्रोटोप्लास्ट समझते हो जैसे ये दो प्लांट सेल है इमेजिन करो ये दो प्लांट सेल है राइट और इनके ऊपर ये सी डब्ल्यू मतलब सेल वॉल है अब सेल वॉल को जब हटा दिया जाता है तो जो बचता है वो प्रोटोप्लास्ट है तो अब इन दो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन को किससे करते हैं

चाहे वो आ, टीचर ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या कोई हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई नीट एस्पायरेंट से सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटोप्लास्ट लेन का अन्य नाम ये जो अभी मैंने दो प्लांट सेल्स जिनके वॉल को हटा दिया गया है तो मैं प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करवा रहा हूँ प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का ही अन्य नाम क्या है तो कंफ्यूजन नहीं रखना है दोस्तों प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का ही अन्य नाम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन है यानी कि क्या है कायिक संकरण है आगे बढ़ते हैं पादप उत्तक संवर्धन तकनीक तकनीकाजनक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक का जनक कौन है तो हैबेलैंड है इज द फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक टेक्निक एक ऐसी है जिसके अंदर की पादप के किसी भी भाग को चाहे वो सीड हो सकता है बड हो सकती है उसको आप कल्चर मीडियम में रखकर और उससे एक नया प्लांट बना सकते हैं आनुवंशिक अभियंत्रिकी का अन्य नाम आनुवंशिक अभियंत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम क्या है दोस्तों जीन मैनिपुलेशन है आनुवंशिक अभियंत्र की एक तरीके से जीन हेरफेर है हेरफेर का 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 मतलब इधर 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 किसी किसी चीज को जोड़ना जो दूसरा नाम है दो संश्लेषी एंजाइमों के नाम नेम टू सिंथेसाइजिंग एंजाइम तो एक तो है दोस्तों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम संश्लेषी क्यों कहते हैं क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है

कई बार गलती कर देते हैं आर डीएनए को ऐसे लिख देते हैं राइट गलत हो जाएगा आर डीएनए आर लिख दिया साइंस में बहुत कुछ मायने रखता है आर कैपिटल लिख दिया तो उसको बोलते हैं रेंडम डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्स एंजाइम से काटने पर डीएनए का कोई खंड उत्पन्न हो रहा है तो वो क्या है रेंडम डीएनए लेकिन वेक्टर डीएनए को और फॉरन डीएनए को दोनों को जोड़ दिया तो वो क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए दोनों में जमीन आसमान का फर्क है आर छोटा लिखो है बड़ा लिखो नहीं बहुत मायने रहे साइंस में हर चीज का महीना होता है गोल्डन राइस में कौन सा वर्णक पाया जाता है आप सब जानते हैं गोल्डन राइस को बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया और वो ए ए राइस था आपको मालूम है उसमें कहां से आया वैज्ञानिकों ने बीटा कैरोटीन को उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया वैज्ञानिकों ने बीटा कैरोटीन को उनके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया बीटा कैरोटीन जो है वो विटामिन ए का सोर्स है जब आपके बॉडी के अंदर विटामिन ये बीटा कैरोटीन जाएगा तो बीटा कैरोटीन को लिवर विटामिन ए के अंदर क्या कर देता है दोस्तों बदल देता है ठीक है

वैसे तो अब इस एग्रोबेक्ट्रियम ट्यूमिफेश को हमने कहा है कि इसको मॉडिफाई कर दिया गया है और ये एक सक्सेसफुल वैक्टर की तरह काम में आ रहा है लेकिन जब इसको मॉडिफाई नहीं किया गया था तो तो ये क्या करता था ये एक ऐसा एक रोगजनक था एग्रोबेक्ट्रम ट्यूमिफेशन अब मॉडिफाई कर दिया वो अलग बात है जो नॉर्मल प्लांट सेल को ट्यूमर सेल में बदलता था जो नॉर्मल प्लांट सेल को ट्यूमर सेल में बदलता था वो कौन है एग्रोबेक्ट्रियम ट्यूमिफेश अरे बोलो आया अरे कोरिलेट कर पा रहे हो भैया बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन है आज की लाइव सेशन के अंदर थोड़ा सा टाइम इसीलिए ज्यादा लगा है क्योंकि इट नीड्स अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन लेकिन समझो ये जो तुमने एक डेढ़ घंटा दे दिया ना तो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर पाओगे क्योंकि चुनिंदा क्वेश्चंस को मैंने एक्सट्रैक्ट किया है जय प्रौद्योगिकी में आरोपी क्या है आप पीबीआर थ्री ट्वेंटी टू वैक्टर मेरी एडवाइस है पीबीआर थ्री ट्वेंटी टू वैक्टर जिस भी किताब में हो एनसीआर में हो कहीं पर भी हो उस पीबीआर थ्री ट्वेंटी टू वैक्टर को देखना उसके अंदर उस वेक्टर के अंदर एक चीज लिखी हुई मिलेगी आरोपी ये एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि आरोपी बोले तो क्या तो आरोपी का मतलब होता है रिप्रेसर ऑफ प्राइमर क्या कहते हैं इसको रिप्रेसर ऑफ प्राइमर भारत में निर्मित व विपरीत प्रथम आर आधारित उत्पाद उत्पाद है ना मतलब कि ऐसा कौन सा था फर्स्ट रिकॉमेंटेड डीएनए बेस्ड फर्स्ट रिकॉमेंटेड डीएनए बेस्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस एंड इन इंडिया भारत के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पर आधारित प्रथम निर्मित उत्पाद और मार्केटिंग जो जिसकी की गई थी वो कौन सा था तो दोस्तों वो हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन था हेपेटाइटिस बी वायरस का जो वैक्सीन था राइट वो प्रथम रिकॉम्बिनेंट डीएनए द्वारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया भारत के अंदर प्रोडक्ट था प्रतिबंधन एंजाइम के दो प्रकार कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं तो दोस्तों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो ही होते हैं एक्जोन्यूक्लियस और एंडो न्यूक्लियस जो डीएनए को सिरो से काटे जो डीएनए को एंड से काटे वो एक्सो न्यूक्लियस और जो डीएनए को सिरो के अलावा बीच में से कहीं से काटे तो वो कौन सा होता है एंडो न्यूक्लियस जेल इलेक्ट्रोफोरिस का मुख्य कार्य मेन फंक्शन ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरिस इसका मेन काम है दोस्तों टू सेपरेट द फ्रेगमेंट ऑफ द डीएनए डीएनए के खंडों को पृथक करना डीएनए के खंडों को पृथक करना ही जेल इलेक्ट्रोफोरिस का महत्वपूर्ण रोल होता है वाहक रहित जीन ट्रांसफर में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है Which chemical is used in जीन मतलब यदि आप आप बिना वेक्टर के, बिना वेक्टर के, के जीन ट्रांसफर करना चाहते तो किसकी मदद से दोस्तों की मदद से डायबिटीज मेलिटस के उपचार में दिया जाने वाला पुनर्युगज प्रोटीन रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन गिवन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलिटस एक बात बताइए यदि कोई व्यक्ति शुगर से ग्रसित है डायबिटीज मलेरिया से ग्रसित है तो उसको डॉक्टर एडवाइस करता है ना इंसुलिन लगाने की तो कौन सा इंसुलिन दिया जाता है ह्यूमन इंसुलिन आजकल मानव जीन से जो निर्मित इंसुलिन है उसी को दिया जाता है और उसको हम क्या कहते हैं यूमिलिन कहते हैं जो खाना खाने के आधे घंटे पहले लगाया जाता है क्या यूकेरोड्स में प्रतिबंधक एंजाइम पाए जाते हैं डू आप सब जानते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को बैक्टीरियल सेल्स वगैरह से निकाला जाता है

ना कुछ लोग सोचो और मैंने तो एनसीआर टी में 900 था सर ने छत्तीस सौ क्यों लिखाया अरे भाई वो एनसीआर जब लिखी गई थी तब नौ सौ ही थे उसकी क्या गलती राइटर की अब 3600 हो चुके हैं ठीक है, है। जय प्रौद्योगिकी में एनीलिंग क्या है आपने देखा होगा पीसीआर टेक्निक के अंदर डी नेचुरेशन एक स्टेप होती है एक एनीलिंग होती है और एक्सटेंशन होती है तो वो जो एक वर्ड आता है बायोटेक्नोलॉजी में एनीलिंग एनीलिंग का मतलब होता है टू ज्वाइन जैसे कि हमने पीसीआर टेक्नोलॉजी के अंदर प्राइमर को जोड़ा था याद करो

टेमिनिज्म बोले तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है ना टेमिनिज्म डिस्कवर्ड बाय तो टेमिनिज्म वर्ड कहां से है टेमिन है टेमिन और बाल्टीमोर ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्या की दोस्तों खोज की जीवाणु कोशिका वृत्ति का लयन करने वाला एंजाइम यदि आप चाहते हो कि जीवाणु कोशिका से आप आप निकालना चाहते हो किसको डीएनए को तो नेचुरली उसका लयन करना पड़ेगा तो लाइसोजाइम एंजाइम से आप उसका क्या करोगे लयन करोगे Is it clear or not clear? तो याद रखना घमंड तुम नहीं तुम पर कर सके कुछ ऐसा करो घमंड तुमको नहीं करना है रही? तुम पर, कुछ ऐसा, तुम पर कर सके कुछ ऐसा करो है ना मतलब लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है दोस्तों आपको आगे बढ़ना है है ना आगे बढ़ते रहिए बस कुछ ऐसा कीजिए कि यार सबको आपके ऊपर आपके मम्मी पापा को आपके ऊपर ऐसा घमंड हो कि यार मेरे बेटे ने ये काम किया है कुछ ऐसा कीजिए समाज के लिए अपने खुद के लिए आगे बढ़ते रहिए बस जितने भी नए सब्सक्राइबर्स हैं जितने भी नए व्यूअर्स हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि यदि आप पीडीएफ चाहते हो तो मैंने कहा है कि सुपर गुरु ऐप को आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो वहाँ पर स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर सारे के सारे जो है वो पीडीएफ जो है वो अवेलेबल है वन लाइनर सीरीज के फोल्डर के अंदर आप वहां से डाउनलोड करके और प्रिंट आउट निकला सकते हो तो एक बार जल्दी से लास्ट में समअप कर लेते हैं आज का सेशन कैसे लगा और बहुत सारे इस तरीके के, के लाइव सेशंस लाए या नहीं लाए यस yes no. yes. हम लोग आपके लिए इस तरीके के और भी सेशंस को लेकर आएंगे धन्यवाद आप लोगों ने सुना और लास्ट तक आप बने रहे उसके लिए थैंक्स इसी तरीके से अपने जोश को मेंटेन करके रखिए राइट right? और लाइफ में सब कुछ जोश ही है. है ना हमेशा रखना जोश रखना होप रखना लाइफ के अंदर आप आगे बढ़ते रहेंगे हमारा एमपी वर्ग दो जीव विज्ञान का आज हमारा कोर्स बारह तारीख को आज से शुरू हो चुका है राइट आज से शुरू हो चुका है इसलिए जल्दी से उसको ज्वाइन करें राइट बहुत सारे बच्चे अपनी सफलता के लिए उसको ज्वाइन कर चुके हैं आप लोग भी ज्वाइन करें आज के लिए इतना ही हम जल्द हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ में तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार Thank you.